फिल्म की शुरुआत होती है अपर स्पेस को दिखाते हुए और ये ईयर 2050 होता है यानी कि 2050, जहां पर बताया जाता है कि टाइम ट्रेवल एग्जिस्ट करता है यानी कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। और फिर एक स्पेसशिप में हमें एडम नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी से जा रहा था क्योंकि उसके पीछे उसकी बॉस माया की शिप होती है। वहां पर वो दोनों बातें भी कर रहे होते हैं लेकिन तभी हम देखते हैं कि एडम काफी इंजर्ड होता है। यहां पर माया उसे पूछता है कि तुम्हारी एज कितनी है, तब छोटा एडम कहता है कि 12 साल। तब ये सुनकर बड़ा एडम दुखी हो जाता है। छोटा एडम उससे पूछता है कि तुमने पायलट के कपड़े क्यों पहने हुए हैं। यहाँ पर बड़ा एडम इंजर्ड होता है और वो एली के बारे में पूछने लगता है। तब छोटा एडम कहता है कि वो तो अपने फ्रेंड के साथ डिनर पर गई है। यहाँ पर बड़ा एडम कहता है कि उनका फ्रेंड एक अच्छा इंसान नहीं है। यहाँ पर छोटा एडम देखता है कि बड़े एडम ने उसके डॉग को अपने साथ रखा हुआ है। इसके बाद बड़ा एडम घर के अंदर जाता है और छोटा एडम भी उसके पीछे पीछे अंदर जाता है। फिर एडम फ्रिज से खाना निकालता है और अपने पहनने के लिए कपड़े भी। इसी दौरान छोटा एडम उसके बैग में पड़े हुए वेपन्स को देखता है। तब बड़ा एडम उससे कहता है कि मैं अपने जख्मों को साफ करके यहाँ से निकल जाऊंगा और वो छोटे एडम को वेपन्स को हाथ लगाने से मना करता है। फिर वो अपनी इंजरी को देखता है, तब उसे पता चलता है कि उसे गोली लगी है। इसके बाद वो आगे बढ़ता है, तब छोटा एडम भी उसके पीछे पीछे जाता है। फिर वो ऊपर जाकर अपनी इंजरी पर मेडिसिन लगाने लगता है। यहाँ पर छोटा एडम उसके बारे में उससे बहुत सारे सवाल करने लगता है जिसकी वजह से बड़ा एडम चिढ़ जाता है। इसके बाद जब वो दोनों बाहर आ जाते हैं तो बड़ा एडम छोटे एडम को उसका नाम लेकर बुलाता है। यहाँ पर छोटा एडम हैरान होते हुए उसे पूछता है कि आप मेरा नाम कैसे जानते हैं। यहाँ पर बड़ा एडम उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, जब तुम पैदा हुए थे तब से लेकर अब तक। तब ये सुनकर छोटा एडम बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, इसीलिए वो गिरने लगता है। तब बड़ा एडम उसे संभाल लेता है। यहाँ पर छोटा एडम बताता है कि जब मैं 7 साल का था तो मुझे एक इंजरी हो गई थी और ये बात बड़े एडम को भी पता होती है। यहाँ पर छोटा एडम है कि हमारी इंजरी भी सेम है और घर की सारी चीजों के बारे में तुम जानती भी हो। और यहाँ पर बड़े एडम के पास उसके फादर यानी मार्क की जो घड़ी होती है वो छोटे एडम के पास भी होती है, तो इसका मतलब साफ है कि वो दोनों एक ही इंसान है। जिसकी वजह से अब छोटा एडम भी समझ जाता है कि बड़ा एडम टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आया है। इसके बाद वो दोनों जंगल में जाते हैं जहाँ पर छोटा एडम उसके यहाँ पर आने की वजह पूछता है। तब बड़ा एडम कहता है कि मैं एक रेस्क्यू मिशन पर यहाँ आया हूँ लेकिन मैं 2018 में जाना चाहता था और बाय मिस्टेक मैं यहाँ पर
यानी 2022 में आ गया हूँ। लेकिन यहाँ पर वो अपने मिशन के बारे में कुछ नहीं बताता। इसके बाद बड़ा एडम अपने शिप को स्टार्ट करने के लिए जाता है, लेकिन वो तो स्टार्ट ही नहीं होती। इसीलिए वो छोटे एडम को बताता है कि हम दोनों का डीएनए सेम है, लेकिन मैं तो इंजर्ड हूँ और मेरी शिप मेरे डीएनए से ही स्टार्ट हो सकती है, लेकिन मेरे इंजर्ड होने की वजह से मेरा प्लेन मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। इसीलिए तुम शिप का बटन प्रेस करके इसे स्टार्ट करो, जिसके बाद छोटा एडम ऐसे ही करता है और शिप स्टार्ट हो जाती है। वो बड़े एडम की बॉडी को देखकर काफी खुश हो जाता है और उसकी बॉडी की तारीफ करता है। यहाँ पर बड़ा एडम उसे कहता है कि इतना मत सोचो और सिर्फ काम पर ध्यान दो। फिर बड़ा एडम वहाँ से निकलता है और कहता है कि मैं मेडिसिन लेने जा रहा हूँ। तब छोटा एडम उसे कहता है कि पहले अपने कपड़े तो चेंज कर लो। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर आकर मार्क के कपड़ों को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि एली ने उसके कपड़े अभी तक संभाल के रखे हुए थे। ये बात बड़े एडम को छोटा एडम बताता है। यहाँ पर बड़ा एडम पूछता है, तो तुम उनका ख्याल क्यों नहीं रखते? वो बोलता है कि ये गलतियाँ मैंने भी की हैं, लेकिन अब तुम सुधर जाओ। इसके बाद वो मार्क का जैकेट ले लेता है। यहाँ पर छोटा एडम कहता है कि मैं अपने पापा को बहुत मिस करता हूँ। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर छोटा एडम बड़े एडम से पूछता है कि तुम गलती से 2018 से 2022 में कैसे आ गए? जिस पर बड़ा एडम कहता है कि मुझे गोली लगी थी और मैंने कोऑर्डिनेट्स डाल दिए थे, लेकिन मैं उन्हें चेक करना भूल गया था। फिर वो छोटे एडम से पैसे लेकर स्टोर में जाता है, जहाँ पर वो मेडिसिन खरीदता है। बाहर हम दो लड़कों को देखते हैं जो कि छोटे एडम को मारने आ रहे थे। फिर वो उसे पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं। इसके बाद बड़ा एडम वहाँ पर आ जाता है और वो छोटे एडम को साइड पर ले जाकर उसे कहता है कि तुम भी उन्हें मार सकते हो। वो कहता है कि तुम हिम्मत करके उनके पास जाओ और नीचे बैठकर उन्हें मारो। जब छोटा एडम हिम्मत करके आगे बढ़ता है, क्योंकि बड़े एडम ने उसे कहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगा, लेकिन तभी वो लड़का छोटे एडम को पकड़कर उसे बहुत मारता है। वहाँ बड़ा एडम भी खड़ा होकर ये सब देख रहा था, लेकिन वो छोटे एडम को बचाने के लिए कुछ भी नहीं करता। इसी वजह से छोटा एडम बहुत दुखी होकर वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद बड़ा एडम उस लड़के को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम तमीज से रहो, ओके, और अगर आइंदा की बात तुमने एडम को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। तब वो लड़का डरते हुए आगे से ऐसा ना करने के लिए कहता है और एडम भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब वो घर आता है तो उसे वहाँ पर छोटा एडम नहीं दिखता, क्योंकि वो तो स्टोर रूम में खुद को लॉक करके वहाँ पर वेपन्स ढूंढ रहा था। लेकिन उसे वहाँ पर एक ड्रोन मिल जाता है। तब बड़ा एडम उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है। तब यहाँ पर छोटा एडम कहता है कि तुमने मेरी हेल्प नहीं की, हालांकि तुम मेरी मदद कर सकते थी, लेकिन तुमने तो मेरे लिए कभी भी कुछ नहीं किया। यहाँ पर बड़ा एडम उसे बताता है कि बगैर मार खाए बगैर पिटे तुम मेरे जैसे नहीं बन सकते। वो छोटे एडम से माफी भी मांगता है। यहाँ पर छोटा एडम उसे लोरा यानी उसकी वाइफ की पिक्चर दिखाकर उसके बारे में पूछता है। तब बड़ा
जिसमें मैंने अपने फादर की स्टडी को पढ़ के टाइम ट्रेवल करना सीख लिया। लेकिन मेरे फादर को भी इस बारे में कुछ नहीं पता चलता। यहाँ पर वो अपने प्रोजेक्ट का नाम भी बताता है, उसका नाम होता है एडम प्रोजेक्ट। यहाँ पर छोटा एडम फिर से लौरा के बारे में पूछता है, जिस पर एडम कहते हैं कि शायद माया ने 2018 में उसे मार दिया होगा। तब ये बात सुनकर वो डॉग भौंकने लगता है, जिस पर एडम काफी हैरान हो जाता है। फिर वो छोटे एडम को भी अपने पीछे पीछे आने के लिए कहता है। इसके बाद वो एक बॉम्ब फेंकता है अपने सामने। तभी दो सोल्जर्स इनविजिबल होकर उसके पास आते हैं, लेकिन वहाँ पर बॉम्ब के ब्लास्ट होने की वजह से वो दोनों मारे जाते हैं। फिर दो और सोल्जर्स आकर एडम को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एडम बाहर आकर उन सबसे लड़ने लगता है, जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स को वो मार भी डालता है। इसके बाद वो अपना हथियार लेकर उसमें से वेव पैदा करके उन सारे सोल्जर्स को मारता है। और यहीं पर हम माया के प्लेन को देखते हैं। तभी माया का साथी वहाँ नीचे आता है। तब एडम उसे बताता है कि तुम बहुत ही बुरे इंसान हो। एडम कहता है, ये जो फेस तुम्हारा बिगड़ा हुआ है ना, इसकी हालत भी मैंने ही ऐसी की थी, और मैं तुम्हें जान से मार डालूं। यहाँ पर माया एडम को फिर से 2050 में वापस जाने के लिए कहती है। तभी सुनकर एडम साफ इनकार कर देता है। तब इनकार सुनकर माया उसे गन दिखाती है और एडम अपना हथियार नीचे रख देता है। और तभी माया का साथी एडम को मारने लगता है, लेकिन तभी माया की शिप पर हमला हो जाता है। और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि लौरा ने किया होता है, जो जंगल से आगे बढ़ रही होती है। फिर वो सारे सोल्जर्स को मारने लगती है। और तभी एडम भी उठता है और वो लौरा को देखकर काफी खुश होता है और हैरान भी, क्योंकि वो जिंदा होती है। फिर वो लौरा के साथ मिलकर सोल्जर्स को मारने लगता है। यहाँ पर लौरा उसे बताती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने आई हूँ। फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर सारे सोल्जर्स को बहुत मारते हैं। फिर वो दोनों मिलकर काफी खुश होते हैं और छोटा एडम उन्हें देख रहा होता है। लेकिन तभी वो देखती है कि माया का शिप वहाँ से गायब हो गया है। इसके बाद वो तीनों आगे बढ़ते हैं। वो लौरा की गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। यहाँ पर लौरा बताती है कि 2018 में मैं बच गई थी। फिर वो गाड़ी में बैठे छोटे एडम से भी मिलती है और तभी ऊपर से माया की शिप उन पर हमला कर देती है, लेकिन वो लोग बच कर आगे निकल जाते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल में चले जाते हैं। फिर शिप से दो सोल्जर्स उड़कर वहाँ पर आते हैं। वो उनकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। तब एडम गाड़ी से निकलकर पहले एक सोल्जर को मारता है और फिर वो दूसरे सोल्जर पर ट्री गिराकर उसे मार डालता है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और शिप भी वहाँ से गायब हो गया था। इसके बाद वो लोग लौरा के घर पर जाते हैं। यहाँ पर लौरा से माफी मांगता है कि तुम्हारी शिप में बॉम्ब मैंने ही लगाया था। तब ये बात सुनकर लौरा को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर गोलियां चलाने लगती है और वो बाकी सोल्जर्स को भी मार डालती है। दूसरी तरफ एडम छोटे एडम को शिप के बारे में समझा रहा होता है, जिस पर छोटा एडम उसके साथ आने के लिए मना करता है, क्योंकि अगर वो दोनों साथ में गए तो फ्यूचर बदल जाएगा। और बड़ा एडम तो उसके लिए रोल मॉडल होता है, वो उसकी तरह लाइफ गुजारना चाहता है। तब बड़ा एडम उसे कहता है कि मेरी लाइफ तो बहुत बुरी है, क्योंकि मेरा तो कोई फ्रेंड भी नहीं है और मैं तो टाइम ट्रेवल में अपनी वाइफ को भी खो दूंगा।
दूंगा। वो अपने फ्यूचर के लिए छोटे एडम को उसके साथ ही चलने के लिए कहता है और इस बार छोटा एडम चलने के लिए हाँ बोल देता है। यहाँ पर बड़ा एडम छोटे एडम से कहता है कि हमारे पापा के पास जरूर कोई आइडिया होगा और हमें उन्हीं की हेल्प लेनी होगी। इसके बाद छोटा एडम शिप को स्टार्ट कर देता है। उधर लौरा और माया का साथी लड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर माया शिप में आती है और वो लौरा पर निशाना लगाती है। उधर हमें दोनों एडम शिप में बैठकर वहाँ से उड़ते हुए दिखते हैं और जब लौरा उन्हें देखती है तो वो काफी खुश हो जाती है। माया उसे देखते ही उस पर गोली चलाती है जिसकी वजह से लौरा यहाँ पर मारी जाती है। उधर जब एडम जा रहा होता है तो माया उस पर भी गोलियां चलाती है। तब एडम वहाँ से बचते हुए आगे बढ़ता है। इसके बाद वो नीचे आता है और अपने शिप को बंद कर देता है, जिसका फायदा ये होता है कि माया उसे ट्रैप नहीं कर पाती। इसके बाद एडम अपनी शिप को नीचे लाकर उसे स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से माया कंफ्यूज हो जाती है। तब यहाँ पर माया उसे सिग्नल देकर बताती है कि तुम्हारा प्लेन डैमेज है, जिसका डिसएडवांटेज ये है कि वो सिर्फ एक बार ही टाइम ट्रैवल कर सकता है और अगर वो 2018 में गए तो वापस नहीं आ पाएंगे। इसीलिए दोनों एडम अब अपने फादर के पास जाने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद वो दोनों ऊपर आ जाते हैं और माया भी उन्हें देख लेती है। फिर एडम पल्स मशीन से वहाँ पर पल्स बनाता है और उसके अंदर एक ब्लैक होल हो जाता है। यहाँ पर माया उनकी शिप पर गोलियां चलाने लगती है और एडम अपने शिप को आगे निकल बढ़ता है। इसके बाद वो ब्लैक होल में घुसकर बच जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जाता है 2018 में, जहाँ पर हम मार्को देखते हैं जो कि क्लास में लेक्चर दे रहा होता है। और जब वहाँ पर दोनों एडम आते हैं तो वो मार्को वहाँ पर देख कर बहुत खुश होते हैं। फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। बड़ा एडम छोटे एडम से कहता है कि मैं उनसे बात करूंगा, यानी कि अपने पापा से, क्योंकि हम उन्हें सब कुछ नहीं बता सकते। अब यहाँ पर छोटा एडम उसकी बात मान लेता है। उधर क्लास में मार्क सबको एक पोयम सुना रहा होता है। फिर वो बताता है कि ये पोयम रोमन लैंग्वेज में है। तभी एडम बोलता है कि ये कोई पोयम नहीं बल्कि ये मार्क काफी खुश हो जाता है। इसके बाद वो तीनों एक होटल में आते हैं। यहाँ पर मार्क बताता है कि मैं अपने काम में काफी एक्सपर्ट हूँ। वो उन्हें ये भी एडवाइस करता है कि कभी भी टाइम के साथ मत खेलना। तब यहाँ पर एडम कहता है तो क्या मैं टाइम ट्रेवल वाली उस पल्स मशीन को अभी इसी वक्त खत्म कर दूँ? तब मार्क बताता है कि नहीं, जो चीज पहले हो चुकी है वो दोबारा होकर रहेगी, क्योंकि उससे माया पर भरोसा होता है। और तुम इस टाइम इस साल में आए हो तो जरूर टाइम में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होने वाली है और इसकी वजह से खतरा भी बढ़ सकता है। तब यहाँ पर एडम अपने फादर पर गुस्सा करते हुए उन्हें कहता है कि आप एक अच्छे फादर नहीं हैं, आप बहुत बुरे फादर हैं। आपको तो हमेशा साइंस की पड़ी होती है और मैं सब जानता हूँ, आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मैं छोटे एडम के लिए जरूर कुछ करूँगा। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। उधर मार्क छोटे एडम से कहता है कि अब तो मुझे भी जाना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। इसके बाद जब वो वहाँ से जाने लगता है तब छोटा एडम उसे उसकी मौत के बारे में बताने लगता है। तब मार्क उसे कहता है कि मुझे कुछ मत बताओ। वो उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। उधर माया अपनी कंपनी में होती है जो कि अपनी फंडिंग के लिए बात कर रही थी, जिसमें कि टाइम ट्रेवल करके पल्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और इसी वजह से उन्हें स्टेबलाइजर की जरूरत होती है जो कि माया की कंपनी में ही थी और उसे किसी और ने नहीं बल्कि मार्क ने ही बनाया होता है। इतनी ही देर में वहाँ पर बड़ी माया यानी फ्यूचर वाली माया आ जाती है और वो छोटी माया से कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तब छोटी माया कहती है लेकिन तुम्हारे आने से टाइम में गड़बड़ होगी। बड़ी माया उसे कहती है कि
तुम्हें बहुत सारे स्टॉक्स खरीदने होंगे जिससे कि फ्यूचर में तुम्हें बहुत फायदा होने वाला है। बड़ी माया कहती है कि हम दोनों एक ही हैं और हम हमेशा अकेले ही रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है, इसीलिए हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। तब छोटी माया उससे पूछती है, लेकिन तुम अभी क्यों आई हो? तब बड़ी माया कहती है, क्योंकि एडम बड़ा होकर तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगा और बस मैं उसका खात्मा करने आई हूं। उधर बड़ा एडम जब अपनी वाइफ लॉरा को याद कर रहा होता है तो तभी वहाँ पर छोटा एडम आता है। वो बड़े एडम से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप हमारे पापा इन्हीं मार्क से क्यों नफरत करते हैं। तब बड़ा एडम कहता है, हाँ बताओ क्या वजह है? तब छोटा एडम कहता है, क्योंकि आप जानबूझकर उनसे नफरत करते हैं, क्योंकि आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते ना, और आपको पापा के साथ बॉल खेलना बहुत पसंद थी ना, क्योंकि वो तो दोनों की फेवरेट थी, और इसी वजह से मार्क इन्हीं पापा भी अपने बेटे से बहुत करीब रहते थे, और मैं तो अपनी मदर से भी मिसबिहेव करता हूँ, इसीलिए भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। वो बताता है कि ये गलतियाँ मुझसे इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि मुझे लगता है कि गुस्सा होना उदास होने से ज्यादा आसान है, लेकिन अब मैं इस चीज में फर्क जान चुका हूँ। यहाँ पर वो दोनों ही दुखी होते हैं और दोनों ही एक दूसरे को संभालते हैं। उधर हम एली को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड इन्हीं मार्क का खाना चेक करती है, और वो उसे कहती है कि आप तो बहुत बुरा खाना बनाते हैं। तब मार्क कहता है कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तब एली उससे पूछती है, क्यों, क्या वजह है? तब मार्क कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे एडम के लिए गेम बनानी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो तो बाहर खेलने ही नहीं जाता। एक कोड चाहिए होता है जो कि मुझे भी पता है, और वो कोड नीचे पड़ी एक हार्ड डिस्क में भी है, और अगर हमने उसे तबाह कर दिया तो तब माया कुछ भी नहीं कर पाएगी। ये सुनकर एडम बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों नीचे लिफ्ट की तरफ जाते हैं। तब एडम अपने पापा से कहता है कि मैं आपके यहाँ आने से बहुत खुश हूँ। उधर छोटे एडम के पीछे माया का शिप आ जाता है और वो छोटे एडम को पकड़ लेती है। उधर नीचे मार्क और एडम आगे बढ़ते हैं जहाँ पर उन्हें काफी बड़ा पल्स मशीन दिखता है, इसीलिए वो दोनों आगे बढ़ते हैं। एक जगह पर आकर मार्क हार्ड डिस्क की जगह दिखाता है। वो बताता है कि अगर पल्स मशीन में कोई गड़बड़ हुई तो यहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। इसके बाद वो जल्दी से वहाँ से हार्ड डिस्क निकाल लेता है, लेकिन पर कुछ भी नहीं होता। इतनी ही देर में वहाँ पर दोनों माया भी आ जाती हैं और सोल्जर्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तब मार्क माया से कहता है कि तुम एक बहुत बुरी औरत हो और मुझे गलत कामों में तुम्हारा साथ नहीं देना चाहिए था। तब यहाँ पर बड़ी माया मार्क से कहती है, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ये सब कुछ करने के लिए, और ये सब कुछ मैंने नहीं तुमने किया है, और अब जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा, इसीलिए अब जल्दी से वो हार्ड डिस्क मुझे दे दो। लेकिन एडम उसे हार्ड डिस्क देने से मना कर देता है। फिर छोटी माया गन पॉइंट पर छोटे एडम को वहाँ पर लाती है और उसे मारने की धमकी देती है। तभी छोटा एडम समय
समझदारी करता है और वो बड़े एडम को इशारा करता है और वो जल्दी से उस गन को मारता है जो कि उस पर पॉइंट की गई थी और तब निशाना एक दूसरे साइड पर जाकर लगता है। वो गोली पल्स मशीन में जाकर लगती है इसीलिए उसमें गड़बड़ होने लगती है जिसकी वजह से वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगती है जिसकी वजह से लोहे की सारी चीजें पल्स मशीन की तरफ बढ़ने लगती है। वो सारे सोल्जर्स भी लोहे के बने हुए थे इसीलिए वो भी पल्स मशीन की तरफ खींचते हुए उसके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन एक सोल्जर छोटे एडम को पकड़ कर वहीं पर लटक जाता है और जब माया का साथी हार्ड डिस्क को लेने के लिए जाता है तो बड़ा एडम उसे नड़ता है और मार्क उस जगह को स्टेबलाइज करने लग जाता है। उधर बड़ा एडम बहादुरी से माया के साथी का मुकाबला कर रहा होता है। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। उधर छोटा एडम पहले तो सोल्जर को मारता है और बाद में वो नीचे आ जाता है। उसे वहाँ पर एडम का हथियार भी मिलता है जहाँ पर एडम और माया का साथी लड़ रहे होते हैं। छोटा एडम वहाँ पर आ जाता है जिसकी वजह से माया का साथी उसे मारता है। तब ये देखकर बड़े एडम को बहुत गुस्सा आता है इसी वजह से वो माया के साथी को बहुत मारता है। लेकिन यहाँ पर माया का साथी एडम पर भारी पड़ रहा था और वो उसे मारने ही वाला था। उधर जब मशीन खराब हो रही होती है तब एक दरवाजा उस मशीन की तरफ खींचता मार्क वापस आता है तो वो देखता है कि दोनों एडम वहाँ से गायब हैं। इसका मतलब ये है कि वो टाइम ट्रेवल करके यहाँ से जा चुके हैं। वहीं पर पहले हमें उनका छोटा सा डॉग दिखाई देता है फिर वो बाद में हमें बड़ा दिखाई देता है। इसके बाद में छोटा एडम अपनी मदर के साथ दिखाया जाता है जहाँ पर एली अपने काम में बिजी होती है और एडम उनसे कहता है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा मामा आपका काम करने में। और जब वो आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पर बड़े एडम की बातें याद आने लगती है और इसीलिए वो आकर अपनी मदर से गले मिलता है और कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तब ये सुनकर एली बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि बेटा मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद हमें फ्यूचर में बड़ा एडम दिखाया जाता है जो कि इस टाइम एक बोरिंग पायलट की क्लास में होता है। लेकिन तभी वहाँ पर लौरा आती है और वो उसे कहता है कि ये क्लास तो बहुत बोर है इसकी वजह से मुझे तो काफी नींद आ रही है। तब ये सुनकर लौरा को काफी फनी लगता है और वो हंसने लगती है। यहाँ पर एडम और लौरा दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं। तब एडम लौरा से उसकी स्टडी के बारे में पूछता है और वो अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बताने लगती है। तब ये सुनकर एडम कहता है ओ गॉड तुम तो गलत क्लास में आ गई हो। तब ये सुनकर लौरा पेपर चेक करती है और उसे पता चलता है कि सच में वो तो गलत क्लास में आ गई है इसीलिए वो वहाँ से निकलने लगती है। तब एडम उसे कहता है कि रुको मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। इसके बाद वो दोनों एक साथ इस क्लास से निकलती है और इसी के साथ ही इस मूवी का दी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।